बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 के नतीजे आ चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 सीटों पर शानदार कामयाबी दर्ज की। अमौर असेंबली हल्के से अख्तरुल ईमान, कोचादामन असेंबली हल्के से मोहम्मद इजहार, जोगीहट असेंबली हल्के से शाहनवाज आलम, भैंसी असेंबली हल्के से सैयद रुकनुद्दीन और बहादुरगंज असेंबली हल्के से अजहर नईमी ने कामयाबी दर्ज की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बाई इलेक्शन में किशनगंज से कामयाबी दर्ज की थी, लेकिन वहां से खमरुलहदा इलेक्शन हार चुके हैं। वहां पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। हल्के असेंबली किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हार चुकी है, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार खमरुलहदा किशनगंज से कामयाबी दर्ज किए थे, अब वो किशनगंज असेंबली हल्के से हार चुके हैं और वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं और दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर MIM है। सीमांचल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें 5 उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी दर्ज की। किशनगंज लोकसभा के इलाके के 4 असेंबली हल्के हैं जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी दर्ज की है और बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 के नतीजों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 उम्मीदवारों की शानदार जीत के बाद बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खैमों में जश्न का माहौल और आपस में मिठाइयों की तकसीम और आतिशबाजी भी की जा रही है। और इसके अलावा भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खैमों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के बाद बड़ी जमात बिहार में मानी जा रही है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में 7 असेंबली हलकों पर कब्जा है और उसके बाद बिहार में 5 असेंबली हलकों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।